सरस्वती के किनारे बरगढ़ गांव में अवतार सिंह ने सरस्वती देवी मंदिर के लिए जगह दी है। इस मंदिर में सरस्वती के साथ साथ खाटू श्याम जी का भी भव्य मंदिर बनाया जाएगा। दुम्मन सिंह किरमच ने अशोक सिंगला व ग्रामीणों के साथ मिलकर इस भव्य मंदिर की नींव रखी और कहा कि जब से सरस्वती नदी के ऊपर मौजूदा सरकार ने काम करना शुरू किया तब से लेकर आज तक सरस्वती के प्रति आम लोगों की धारणा बदली है। जिस तरह से पिछले 2 साल में क्षेत्र के लिए सरस्वती वरदान साबित हुई उसको देख लोग सरस्वती के प्रति श्रद्धा भाव रखने लगे हैं। अवतार नाम के व्यक्ति ने सरस्वती को लेकर जमीन दी है। इस मंदिर का शुभारंभ आज ग्रामीण व सरपंच रामकरण द्वारा नींव रखकर किया गया। इस मंदिर से लोगों की आस्था व श्रद्धा और सरस्वती के प्रति बढ़ेगी। दुमन सिंह किरमच ने बताया कि वैदिक काल से ही सरस्वती कुरुक्षेत्र से बहती रही है। महाभारत काल में भी सरस्वती के बहने का वर्णन कई ग्रंथों में आता है। महाभारत वन पर्व महाग्रंथ में सरस्वती का भी वर्णन दर्शाया गया है। इसके अलावा सभी ग्रंथों में सरस्वती का वर्णन इन सब क्षेत्रों से बहने का आता रहा है। आज गांव बरगट में ये सरस्वती माता का और श्री श्याम खाटू श्याम जी का जो मंदिर की आज स्थापना यहाँ पर सरस्वती के किनारे की है, इसको लेकर गांव के हमारे सरपंच साहब सुनी चंद जी और सभी सरपंच साहब यहाँ पर और प्रमुख आदमी ये अवतार भाई जी हैं जिन्होंने अपनी जमीन में ये मंदिर स्थापित करने के लिए अपनी जमीन का एक तरह से सरस्वती के लिए माननीय श्री खाटू श्याम जी के लिए आज ये दान एक तरह से किया है। तो बहुत मैं भाई को बधाई देता हूँ और ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणादायी होते हैं जिन्होंने अपने ये ना समझ गए कि ये मेरी जमीन है, ये कह के कि हाँ वाकई में हम समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम आज किया है और इसमें दोनों मंदिर यहाँ पर बनेंगे, सरस्वती के तट पर है। ऐसा माँ सरस्वती की कृपा है इस क्षेत्र पर कि अभी लोगों का सरस्वती के प्रति श्रद्धा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। ये उसका प्रमाण है कि लोग बढ़ चढ़ कर ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं और पूरे इसमें शहर के हरिओम जयंती मंगला काली बत्तर काली कपाल क्षमा शिवा दात्रि समस्त ज्योति को नमस्कार करते हैं। सरस्वती के किनारे बरगढ़ गांव में अवतार सिंह ने सरस्वती देवी मंदिर के लिए जगह दी है। इस मंदिर में सरस्वती के साथ साथ खाटू श्याम जी का भी भव्य मंदिर बनाया जाएगा। दुम्मन सिंह किरमच ने अशोक सिंगला व ग्रामीणों के साथ मिलकर इस भव्य मंदिर की नींव रखी और कहा कि जब से सरस्वती नदी के ऊपर मौजूदा सरकार ने काम करना शुरू किया तब से लेकर आज तक सरस्वती के प्रति आम लोगों की धारणा बदली है। जिस तरह से पिछले 2 साल में क्षेत्र के लिए सरस्वती वरदान साबित हुई उसको देख लोग सरस्वती के प्रति श्रद्धा भाव रखने लगे हैं। अवतार नाम के व्यक्ति ने सरस्वती को लेकर जमीन दी है।
इस मंदिर का शुभारंभ आज ग्रामीण व सरपंच रामकरण द्वारा नींव रखकर किया गया। इस मंदिर से लोगों की आस्था व श्रद्धा और सरस्वती के प्रति बढ़ेगी। दोमन सिंह किरमच ने बताया कि वैदिक काल से ही सरस्वती कुरुक्षेत्र से बहती रही है। महाभारत काल में भी सरस्वती के बहने का वर्णन कई ग्रंथों में आता है। महाभारत वन पर्व महाग्रंथ में सरस्वती का भी वर्णन दर्शाया गया है। इसके अलावा सभी ग्रंथों में सरस्वती का वर्णन इन सब क्षेत्रों से बहने का आता रहा है। आज गांव बरगट में ये सरस्वती माता का और श्री श्याम खाटू श्याम जी का जो मंदिर की आज स्थापना यहाँ पर सरस्वती के किनारे की है, इसको लेकर गांव के हमारे सरपंच साहब सुनी चंद जी और सभी सरपंच साहब यहाँ पर और प्रमुख आदमी ये अवतार भाई जी हैं, जिन्होंने अपनी जमीन में ये मंदिर स्थापित करने के लिए अपनी जमीन का एक तरह से सरस्वती के लिए माननीय श्री खाटू श्याम जी के लिए आज ये दान एक तरह से किया है, तो बहुत मैं भाई को बधाई देता हूँ। और ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणादायी होते हैं, जिन्होंने अपने ये ना समझ गए कि ये मेरी जमीन है, ये कह के कि हाँ वाकई में हम समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम आज किया है। और इसमें दोनों मंदिर यहाँ पर बनेंगे, सरस्वती के तट पर है, ऐसा माँ सरस्वती की कृपा है इस क्षेत्र पर कि अभी लोगों का सरस्वती के प्रति श्रद्धा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। ये उसका प्रमाण है कि लोग बढ़ चढ़कर ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं और पूरे इसमें शहर के ओम जयंती मंगला काली बंतर काली कपाल क्षमा शिवा दात्रि समस्त नमो 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 नमः ज्योति को नमस्कार करते एक मिनट।